नमस्कार, मैं हूं शिवानी ठाकुर, आप देख रहे हैं मेनपी न्यूज। बेवर के जीएसएम डिग्री कॉलेज से समाजवादी न्याय एवं विजन पद यात्रा निकाली गई। इस मौके पर सपा और बसपा के तमाम कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। देखिए हमारे संवाददाता अर्पित दीक्षित की रिपोर्ट। बेवर के जीएसएम डिग्री कॉलेज से समाजवादी न्याय एवं विजन यात्रा नगर से शुरू होकर शहीद स्मारक बेवर से होती हुई भोगांव तक निकाली गई, जिसमें पूर्व विधायक आलोक शाह ने कहा कि सरकार की जन विरोधी योजनाओं के खिलाफ सपा व बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक समाजवादी न्याय एवं विजन यात्रा निकाली जा रही है। समाजवादी पार्टी और बसपा आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतेगी। यह गठबंधन देश में सत्ता को तय करेगा। इस रैली में सत्येंद्र पाल, मनोज द्विवेदी, प्रशांत पाठक आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। रैली निकाली जा रही है, ये किस माध्यम से निकाली जा रही है? ये पार्टी का कार्यक्रम है और जो सरकार चल रही है भाजपा की, इसके जन विरोधी नीतियों के खिलाफ युवाओं ने फैसला लिया है। लोहिया वाली के युवाओं ने उसका संरक्षण कर रहे हैं। हमारे पार्टी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये पदयात्रा है और समाजवादी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में इस जनपद से लाखों लाख मतों से तेजप्रताप यादव जी को जिताने का काम करेंगे। उसी क्रम में ये पदयात्री अपने गांव-गांव और जनता को जागृत करने का काम कर रहे हैं। ये सपा और बसपा का जो गठबंधन हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सपा बसपा का गठबंधन ऐतिहासिक गठबंधन है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। भाई, भारतीय जनता पार्टी 40 दल से ज़्यादा गठबंधन बनाकर उसने देश में सरकार बनाई है और भारतीय जनता पार्टी परेशान है बहुजन समाज पार्टी और सपा से। ये गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन है और समाजवादी पार्टी 80 में से 80 भी सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएगी। रैली निकाल रही है, किस माध्यम से निकाली जा रही है? ये रैली जो है, ये जो नौजवानों के खिलाफ जो सरकारें हैं, ये आप देख रहे हो जूम पूरा सड़कों पर जो उतर पड़ा है, ये सरकार बीजेपी के फर फेंकने के लिए ये रैली निकाली गई है। और जो सांप्रदायिक दंगे फैलाने का, युवाओं को लड़ाने का काम करते हैं, उन्हें इस देश से बिल्कुल ही सुपड़ा साफ करना है। ये सपा और बसपा का गठबंधन जो है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है, तो दोनों पार्टियों के युवा आज हमारे साथ बहुत बड़ी मात्रा में चलते हैं जगह जगह, और उन्होंने ठान लिया कि 80 में से उत्तर प्रदेश में एक भी सीट हम बीजेपी को नहीं देंगे। ये गठबंधन कब तक चलेगा? अरे गठबंधन तो लंबा चलेगा, ये पूरे देश की राजनीति तय करेगा ये गठबंधन।